आपको मैडम बुला रही हूँ। मैं आ रही हूँ। जी जी मैडम, आप परेशान मत हों, अपनी टीम के साथ पहुंच जाओ। जी मैडम, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, तुम्हारी जॉब के हवाले से मैंने एक दो जगह बात तो की थी, एक जगह से ग्रीन सिग्नल मिला है मुझे। जॉब? मैडम किस तरह की जॉब होगी? मैंने पहले कभी जॉब नहीं की। मेमो परेशान मत हो, जो काम तुम्हें ठीक लगे तुम वो ही करना। जी ठीक है। और वैसे भी जिस जॉब की मैं बात कर रही हूँ वो ऑफिस वर्क है, बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली है और मिसेज रीना वहाँ के चेयरमैन है, इन वेरी काइंड लेडी, एक चेन ऑर्गेनाइजेशन है लोगों की। मेरा इंटरव्यू कब होगा? वो भी हो जाएगा, फिलहाल तो उनकी कंपनी एक ट्रस्ट का आगाज कर रही है, उसकी इनॉग्रेशन पार्टी में हमें जाना है, तो तुम तैयार रहना। ओके? मुझे भी जाना होगा। हाँ निम्मो, हम सब जा रहे हैं, मिसेज रीना बहुत अच्छी खातून है। आज फंक्शन में मौका मिला तो तुम्हारी जॉब की बात कर लूंगी। लेकिन मैम, मैं आज तक किसी इस तरह के फंक्शन और उसमें नहीं गई, तो मुझे पता नहीं है कैसी पार्टी होगी। अरे निम्मो डोंट वरी, समझो ये मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है, ये वो अमीरों की पार्टी जैसी पार्टी नहीं है। मिसेस रीना बहुत अच्छी खातून है और बहुत नामवर बिजनेस वुमन है। ठीक है मैं जाऊँ? हाँ तुम जाओ और रिलैक्स रहो, परेशान मत हो, और मेरे होते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू। क्या बात है, किन ख्यालों में गुम हो? नहीं, ऐसा कोई ख्याल नहीं है जिसमें मैं गुम हो जाऊं। ये शायद मैं इतनी लकी नहीं हूं कि कोई मुझे अपने ख्यालों में गुम होने के काबिल समझे। तुम्हारी बातें ना बहुत मुश्किल होती हैं, मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। शायद समझा ही नहीं पाई वो। अच्छा एक बात पूछूं? अच्छा प्लीज, अब कोई आसान सवाल कर। मुझे तो तुम डॉक्टर कम और फिलोसोफर ज्यादा लगती हो। जो लड़की है जिसे तुम मोहब्बत करते हो, क्या वो इतनी खूबसूरत है कि तुम आज तक उसे बुला ही नहीं सके? जबकि उसने तो शादी कर ली ना, और वो तो तुम्हें छोड़ के भी चली गई अपनी दुनिया बसाने। खैर, इस बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल आपका हॉस्पिटल आ गया और मुझे भी देर हो रही है ऑफिस पहुंचना। वो अच्छा अयूब, याद है ना कि रात को ऑफिस से जल्दी आना है? याद है। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज रात एक फंक्शन पे जाना है, तो मैडम ने तुम्हारे लिए नए कपड़े मंगवाए हैं, तो वो पहन लेना। जिस हालत में तुम यहाँ आई थी उसे देखे तो ये जाहिर होता है कि तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं होंगे, इसलिए तायरा मैडम ने तुम्हारे लिए नए कपड़े मंगवाए हैं। नए कपड़ों की क्या जरूरत है, मेरे पास जो कपड़े हैं मैं उन्हीं में से कुछ पहन लेती हूँ। नीमो, मिस रीना इस एनजीओ की भी ट्रस्टी हैं, हर ईद त्योहार पर यहाँ आती हैं, ढेर सारे सबको गिफ्ट देती हैं, और आज हम उनके फंक्शन पर जा रहे हैं। अच्छा बन के तो जाना बनता है ना? किस चीज का फंक्शन है? मिस रीना का इकलौता बेटा है, एक
शायद उसके नाम पे कोई ट्रस्ट खोल रही है। तायरा मैडम और हम सबको स्पेशल दावत नामे भेजे हैं। मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ। मामा, आप बाबा का वेट कर रही हैं? ये जानी, आज आपके बाबा ने आने में बहुत देर कर दी ना। मनाल, आप बाबा को फोन करके पूछें कि बाबा कहाँ रह गए, इतनी देर कहाँ कर दी उन्होंने। मैं कॉल करूँ? ओके, कॉल मिला के देती हूँ। ये लो, कॉल करो। अस्सलामुअलैकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे, फोन कर देते। क्यों क्यों फोन करता तुम? मैं तुम्हारा कोई गुलाम हूँ या तुमने मुझे कोई खरीद रखा है जो मैं तुम्हें कोई भी काम करने से पहले तुमसे इजाजत लूँ? नदीम, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, बस मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी इसलिए पूछ लिया। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम मुझे पता है क्यों परेशान हो रही। तुम ये परेशान हो रही होगी कि मैं किसी के साथ कहीं घूम तो नहीं रहा हूँ या मैं किसी के घर तो नहीं चला गया हूँ। गुलाम हूँ ना तुम्हारा। नदीम, ऐसा कुछ नहीं है, और ये सब बातें हम जाके रूम में भी कर सकते हैं। यूं तमाशा लगा। तमाशा तुम बनाती हो, तमाशा तुम बनाती हो, तमाशा तुम बनाती आ रही हो, समझ में आई? और मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, इस तरह से ना मेरे रास्ते में मत आया करो। अगर तुमने इसी तरह से मुझे परेशान किया तो मैं घर छोड़ कर चला जाऊंगा। बाबा, आप प्लीज मम्मा को माफ करते, वो तो बस आपका वेट कर रही थी। चलिए हम सब लोग खाना खाते। बेटा, आप खाना खाइए, मुझे भूख नहीं है। ओके? नदीम, खाना खाए बगैर सो जाओगे? खाना खा के आया हूँ। खाना खाकर आए हो? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। नदीम, क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? आखिर इन सब बातों से क्या हासिल होगा? वही जो तुम्हें मेरी बेटी को अजियत दे के हासिल हुआ। पता नहीं कितने दिन, कितने महीनों तुमने उस बेचारी को अजियत दी है। शिवा, शायद अब तो मैं तुमसे कभी मोहब्बत ना कर सकूं, बल्कि तुम्हारा एतबार ही ना कर सकूं। मैं इस घर में सिर्फ मनाल की वजह से हूं कि अपनी बेटी की नजरों में मुजरिम नहीं बनना चाहता। अरे वो मासूम, वो मासूम तो मैं आज भी अपनी शिवा मामा कहती है। नदीम, मुझे बताओ ना, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मुझे माफ कर दो, मुझे मेरा पुराना वाला नदीम वापस लौटा दो। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। सॉरी शिवा, अब ये मुझसे नहीं हो पाएगा। और ये खाने के लिए भी मेरा इंतजार मत करना है। चलो अब आप जल्दी से दूध पियो, फिर आपको तैयार होना है ना, अभी तो जाना है। चलो। आप
रोशनी वो जायान कहाँ है? मैं काफी देर से ढूंढ रही हूँ, नजर नहीं आ रहे। भाभी वो तो नीचे था, शायद अरेंजमेंट्स देखने के लिए निकल गया। ओके, मैं चेक कर लेती हूँ। आप लोग रेडी नहीं हुए अभी तक? वो मैं बस अबान को दूध दे रही थी, फिर अबान भी रेडी हो जाएगा और मैं भी। ठीक है मॉम। वो अबान अपना गिटार साथ ले जाए? आप वहां गिटार प्ले करना चाहते हैं? ठीक है, ले जाइएगा। थैंक यू। आप लोग जल्दी तैयार हो जाइए, मैं जायान को चेक कर लूं, फिर मैं भी रेडी हो जाती हूँ। चलो अब दूध फिनिश करो, फिर मैं भी रेडी होने जा रही हूँ। ओके ओके। अपना गिटार लूं। चलो चले। वेलकम ताहिरा, हमें बहुत खुशी हुई आपको और आपकी टीम को यहाँ देखकर। थैंक यू सो मच मैडम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह ये ट्रस्ट हमारी सोसाइटी के लिए प्राइड साबित हो। इंशाल्लाह, होपफुली। बस हमने तो छोटी सी कोशिश की है, ये ट्रस्ट हमने अपने बेटे अबान के लिए बनाया है। शायद हमारे अबान हमें इसी तरह वापस मिल जाए। मैडम आप अल्लाह पर भरोसा रखिए, इंशाल्लाह हमारे अबान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम सब की दुआएं उनके साथ। इंशाल्लाह। थैंक यू, आप लोग एंजॉय कीजिए, हम अभी आते हैं। मैडम वो आपसे एक लड़की की जॉब की बात की थी। जी जी, आप ऐसा कीजिएगा कि उन्हें हमारे ऑफिस भेज दीजिएगा, हम देखते हैं हम उन्हें कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ क्यों आई हैं? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्यों आते हो मेरे सामने बार बार? एक्सक्यूज मी, मुझे इबादत नहीं, ये पीछे पड़ना क्या होता है? सिंड्रेला वो ना अबान ने ना आपकी बहुत क्यूट पेंटिंग्स बनाई हैं। कौन अबान? और मेरी पेंटिंग क्यों बनाई है? अबान तो मैं हूँ ना, आप अबान को बहुत क्यूट लगती हैं इसलिए। शुभ निमो, तुम यहाँ? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मिसेस रीना से मिलवाना था ना तुम्हें, चलो मेरे साथ। मैं भी आपको ढूंढ रही थी, पता नहीं कौन है मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अबान, हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू आंटी? आई एम गुड। मैम आप इसे जानती हैं? ये अबान है, अबान ट्रस्ट के ओनर और मिसेस रीना के इकलौते बेटे। आंटी ये सिंड्रेला जो है ये इतनी एंग्री और सैड क्यों है? कोई प्रॉब्लम है इसके साथ? तुम अबान, आपकी मॉम आपको ढूंढ रही है, चलिए हम आपको आपकी मॉम के पास ले चलते हैं। चलते हैं। चल बाय सिंड्रेला। Thank you.
इमरान भाई। अरे अयूब भाई क्या हाल है? ठीक। अच्छा इमरान भाई, वो मैं मेहमान अंकल से मिलने आया था, ताला लगा हुआ है, शकीरा आंटी और निमो घर पे नहीं है क्या? रहमान भाई के इंतकाल के बाद तो भाभी भाई अकेली हो गई। जिस भांजी को सारी जिंदगी पाला रहमान भाई ने, भाई वो तो एहसान फरामोश निकली। अयूब भाई मैं तो कहता हूँ सबका खून सफेद हो गया। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। निम्मो तुम परेशान मत हो, इंटरव्यू में जस्ट तुम्हारा इंट्रोडक्शन लिया जाएगा। मिसेस रीना तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई सवाल नहीं करेंगी, ट्रस्ट मी। और ये जो शक्ल पे तुमने 12 बजा रखे हैं, इसे नॉर्मल करो जल्दी से। मैडम वो कल जो उनके बेटे के साथ मैंने गुस्से से बात की थी, मुझे पता नहीं था कि वो मिसेस रीना के बेटे अबान है। अरे डोंट वरी, आबान तो बहुत मासूम है, उसे ये गुस्सा वुस्सा फील नहीं होता। क्या मतलब मैडम? एक्चुअली आबान इज मेंटली स्लो। मेंटली स्लो? मुझे तो वो बिल्कुल नॉर्मल लगा। छोड़ो ये सब बातें, तुम बस जाके अपने इंटरव्यू की तैयारी करो, ठीक है? जी मैडम। ताहिरा ने हमें बताया था आपके बारे में, वो आई नहीं आपके साथ? जी वो उनको कोई जरूरी काम आ गया था तो मुझे ड्रॉप करके गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ये मेरी सीवी है। पहले कहीं काम किया है आपने? जॉब तो नहीं की, लेकिन आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिला। फरीदा। जी साहब जी। फरीदा शीबा कहाँ है? जी साहब जी, शीबा बाजी तो रात से मनाल के कमरे में है। मनाल के कमरे में? जो अच्छा साहब ब्रेकफास्ट करते हैं। मनाल। तुम? ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? बेटा, आप जल्दी से अंदर जाइए और जाके ब्रेकफास्ट कीजिए ताकि फिर हम स्कूल के लिए निकले। जाइए। अब क्या खेल खेल रही हो तुम? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मैं नाल से दूर रहना, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? नदीम प्लीज अब बस भी कर दो। रात को तुम गुस्से में थे, तुम रूम में सो सको इसलिए मैं वहां से चली गई थी। मैं रात को मनाल के साथ सोई थी, तुम्हें तो मेरा चेहरा भी देखना गवारा नहीं है ना। मैं नाल से दूर रहो बस।
मामा क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? मैडम वो आपको थैंक्स कहना था। थैंक्स किस लिए? मुझे जीना सिखाने के लिए। मुझे तो मेरे अपनों ने खुद से अलग कर दिया था जमाने की ठोकरें खाने के लिए। आपने मुझे सहारा दिया, नई जिंदगी दी। निम्मो जिंदगी देने वाली जात तो उस रब की है, मैं तो बस एक छोटा सा वसीला हूं। निम्मो इस दुनिया में जीने के लिए लड़ना पड़ता है, खुद से भी और दुनिया से भी। और याद रखो, जो बीत गया वो कल था, जो आज है वो तुम्हारा है। मैम वो मेरा इंटरव्यू तो मिसेस जीना ने नहीं लिया, तो अब क्या मुझे जॉब नहीं मिलेगी? अरे तुम परेशान मत हो, ज़ियान तुम्हारी प्रोफाइल चेक कर ले फिर तुम ज्वाइन करोगी। मिसेस जीना ने मुझे आज तक इनकार नहीं किया। मैंने जितनी भी लड़कियों की जॉब लगवाई है वो लड़कियाँ अपनी मेहनत और एतमाद की वजह से एक कामयाब जिंदगी गुजार रही हैं। और तुम देखना तुम्हारे साथ भी सब अच्छा होगा, बस तुम कोशिश करो कि अपनी माजी को भूल सको। मैडम जिंदगी के वो तल्ख साल और वो हजियत ना के आधे मैं इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हूँ? मेरे मासी ने तो मेरी रूह तक को लहूलुहान कर दी है। कोशिश करो आगे बढ़ने के लिए, तुम्हें वो तल्ख लम्हे भुलाना होंगे। निम्मो तुम अभी भी रोती हो? नहीं मैडम अब नहीं रोती। रोना भी मत, क्योंकि मेरे जासूस मुझे सारी खबर देते हैं। कौन? किरण? किरण। मैडम अब मैं जाऊं? हाँ तुम जाओ, और हाँ शाजिया को भेज देना आज उसका इंटरव्यू था, मैं जरा अपडेट तो लूँ उसकी। जी मैं शाजिया को भेजती। ठीक है खाला, आप किचन में अकेले काम कर रही हैं, मुझे बता दियो तो मैं आपकी हेल्प कर देती। अरे तुम हॉस्पिटल से थकी आ रही आई हो और मैं तुम्हें काम पे लगा दूं? हो गया काम? आपको पता है आप ना वर्ल्ड की बेस्ट खाला हो। और तुम वर्ल्ड की बेस्ट भांजी हो, जिसको मैं हमेशा अपनी बहू के रूप में देखती हूँ। अच्छा ये बताओ कि अय्यूब से शादी के सिलसिले में कोई बात हुई है? नहीं खाला, इनफैक्ट वो तो मुझसे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता। मैंने कई दफ़ा कोशिश की है लेकिन। लेकिन क्या? लेकिन वो अभी तक उस निम्मू को भूला ही नहीं है। आपने बताया था ना कि उसकी शादी हो गई है, लेकिन अय्यूब अब भी दीवानों की तरह उसका इंतज़ार करता है और उसे लगता है कि दोबारा उसके पास वो वापस आएगी। नादिया बेटा तुम सब कुछ ठीक कर सकती हो, कोशिश तो करो। अय्यूब के दिलो दिमाग और जिंदगी से निम्मो को तुम ही निकाल के बाहर फेंक सकती हो। और निम्मो सिर्फ एक परछाई है, तुम हकीकत हो बेटा। जी खाला, अगर आपकी सपोर्ट रही ना तो मैं जरूर अय्यूब का दिल जीत लूंगी। अरे बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी बहू सिर्फ तुम ही बनोगी। अच्छा जाओ देखो अय्यूब क्या कर रहा है। नहीं लेकिन मैं आपकी हेल्प कर देती हूं। अरे नहीं नहीं तुम जाओ, टाइम स्पेंड करो उसके साथ, जाओ। जी सो प्रिंस चार्मिंग, आज क्या बनाया जा रहा है? मामा अबान सिंड्रेला की आईज बना रहा है, सैड आईज। ओनली आईज? पूरा फेस क्यों नहीं? मामा मैंने फेस बना लिया है, आज सिर्फ मैं ओनली आईज बना रहा हूँ। मामा आपको पता है जब सिंड्रेला मुझे मिलेगी ना तो ये सब पेंटिंग्स मैं उसको गिफ्ट कर दूंगा।
आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि सिंड्रेला से रोज मिलते हो। नो 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 नो, वो रोज नहीं मिलती मुझे, सिंड्रेला तो अबान को कभी कभी मिलती है। कहाँ मिलती है? वो मामा वो ट्रस्ट की ओपनिंग सेरेमनी पे मिली थी। मामा आपको पता है वो हमेशा एंग्री और सैड मूड में रहती है। मामा मामा मामा, सिंड्रेला को ये सरप्राइज अच्छा लगेगा ना? हाँ बहुत अच्छा लगेगा, क्यों नहीं। अबान आपने मामा को फुल फेस की पेंटिंग नहीं दिखाई? मैंने मॉम को दिखाई थी। व्हाट, मॉम को? तो मामा को भी तो दिखाई ना सिंड्रेला की पेंटिंग। श्योर श्योर, मैं दिखाता हूँ आपको भी। Here you go. प्यारी है ना? हाँ बहुत प्यारी है। अबान आप ऐसा करो कि ये पेंटिंग मुझे दे दो, मैं ना सिंड्रेला को दे दूंगी ये। पक्का आप सिंड्रेला को दे देंगी ये? बिल्कुल, मामा आपके पहले भी तो सारे काम करती आई है ना। थैंक यू मामा, यू आर द बेस्ट मामा, आप अबान की सबसे बेस्ट मामा है। और आप मामा की बेस्ट बेबी हो। अच्छा अब ऐसा करना कि दूध भी लेना और उसके बाद सो जाना, ठीक है ना? बहुत देर हो गई है। ठीक है। प्यारी सिंड्रेला, तू जो कोई भी है पता लगा लूंगी कि तुम अबान तक कैसे पहुंची, सब पता लगा लूंगी। लेकिन फिलहाल तेरी जगह ये अंधेरा कमरा है। बम, आप यहाँ क्या कर रही हैं स्टोर के बाहर? वो मैं स्टोर रूम में कुछ पुरानी चीजें रख रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो सब? ओह मैं वो एक्चुअली बड़ी मॉम के साथ बैठा हुआ था, कुछ चीजें डिस्कस कर रहा था, बस जा ही रहा हूँ। अच्छा तुम जाओ सोने, थक गए होगे। मामा मैं तो थक जाता हूँ, लेकिन आप कितना थक जाती है आपको अंदाजा है? अबान की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। बड़ी मॉम बता रही थी कि उसके लिए कोई केयर टेकर रखने वाली है। मैं तो तुम्हारा भी हर काम अपने हाथों से ही करना चाहती हूँ। तुम ही हो के तुम्हारे पास अपनी माँ के लिए टाइम नहीं है। मामा आप ही का तो ख्वाब था कि आपका बेटा एक बड़ा बिजनेसमैन बने, तो बस उसी की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से अपनी दुआएं और मकसद कभी भी सरेआम नहीं बोलते। जो दीवार है ना, इनके भी कान होते। तुम जाओ जाओ सो जाओ। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। जी प्लीज आज की मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दें। जी थैंक यू।
जेब में उठ गया हूँ, आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। ये सब क्या है? नाश्ते के लिए आ रहा था। ओहो मिस्टर सड़ू, बस भी कर दो। आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने उनसे कहा कि आप आराम करें और अयूब और अपना नाश्ता मैं खुद बना लेती हूँ। अंकल भी सो रहे थे तो बस इसीलिए मैं हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ ले आई। अम्मी की तबीयत को क्या हुआ? जरूर बीपी लो हुआ होगा। मैं कितनी बार कहा है कि मत सोचा करें ज्यादा, लेकिन वो किसी की मानती नहीं। अयूब, अगर आंटी तुम्हारी बात नहीं मान रही हैं तो तुम उनकी बात मान लो ना, उनकी खुशी के लिए। अच्छा ठीक है, मैं नाश्ता कर लूंगा, तुम जाओ जाकर रेडी हो जाओ, फिर मैं ऑफिस के लिए निकलूंगा तो तुम्हें रास्ते में हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूंगा। So please may I come in? Yes, please. Sir, मैं निम्रा। Miss Nimmo. Nice name. Please have a seat. Thank you. अंदर आओ। जी ये है मिस निम्रा, इनका अपॉइंटमेंट लेटर बना है, ये आज से हमें ज्वाइन करेंगे। सो मिस निम्रा, आज से आप हमारे ऑफिस का हिस्सा हैं। मैं जानता हूं कि बड़ी मॉम के कहने पे आपको अपॉइंटमेंट दी गई है, लेकिन मैं आपको कुछ असूल बताना चाहता हूं। मैं बहुत ही डिसिप्लिन इंसान हूं, मुझे गैर संजीदा लोग बिल्कुल नहीं पसंद। उम्मीद करता हूं कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे, दिल लगा के काम करेंगे। जी सर, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। और हाँ एक बात मैं आपको बता दूं, ये जितने भी असूल हैं ये मेरे बनाए हुए नहीं है, बड़ी मॉम के हैं, तो आप मेरे साथ बिल्कुल रिलैक्स होकर बात कर सकते हैं, कोई भी बात हो आराम से कर सकते हैं। जी सर, वो मैं कब से ज्वाइन कर रही हूँ? कल से आ जाएं आप। जी मैं चाहता हूँ कि आप इस कंपनी को अपनी कंपनी समझ के काम करें, दिल लगा कर काम करेगा। जी थैंक यू सर। Okay, sir. Thank you for the office. Nimmo? Nimra, sir. जी, Nimra. जाते हुए अपना appointment letter लेती जाएगा। जी, thank you. क्या बात है भाई, लगता है आज भी मलका आलिया का मूड ऑफ है। मलका आलिया ना सिर्फ लफ्जों तक नहीं रहूंगी। तुम्हें क्यों नहीं एहसास है अपनी बीवी का कि इस घर में मैं सिर्फ खादमा बन के रह गई हूं? नहीं, मुझसे तो बेहतर इस घर के मुलाजिम है जिनको शिफ्टों के लिहाज से छुट्टी तो मिल जाती है। अरे अरे आप खादमा क्यों हो गई, अब तो मलका ने इस घर की, मलका है हमारे दिल की। मुझे ना तुम्हारे दिल से कोई वास्ता नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा बेकार दिल
जो कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो। अरे हुआ क्या है कुछ पता भी चले? वो जो अबान है ना, जिसको हम बेबी बेबी बोलते हैं, वो किसी लड़की से मिल रहा है, बल्कि बल्कि अब तो उसकी पेंटिंग्स बनने लग गई हैं। ना जाने कब और कहां मिलता रहा है उससे। अरे तो इसमें इतना मुंह फुलाने की क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो अपनी मामा के अलावा भी किसी को पसंद करने लगा। जैना तुमसे कुछ बात नहीं करनी है, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते ना तो तुमसे कुछ डिस्कस भी करना फजूल है। अरे 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 इतना गुस्सा ना क्या कर, अच्छा नहीं होता मलका। सिकंदर ये जिंदगी है, मजाक नहीं है, कुछ सोचो, होश में आओ, कुछ तुम्हारी भलाई की बात करी, कुछ सोचो। होश में तो हम हर वक्त ही रहते हैं, और जहां तक सवाल सोचने का है तो जहां आपकी सोच खत्म होती है हम वहां से सोचना शुरू करते हैं। मलका आली, फाड़ में गई तुम्हारी मलका आली, और फाड़ में गई तुम्हारी ये शायरी।